आप देख रहे हैं अपना समाचार। अच्छा उसमें था क्या वो फूल में? हाँ उसको झाड़ो ड्रेस। बोलिए गांव के बाहर बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आप लोगों का लखनऊ में। भैया सबसे पहले ये पंचायत जो आप कर रहे हैं उसी के बारे में बताइए जरा, ड्रेस भी काफी ज्यादा हाँ रंगीन हो चुका है। ये रंगीन इन्होंने कर दिया है स्वाति जी, और आज पहली बार मैं इनके घर पे आया हूँ और स्वागत इन्होंने किया है रंग के साथ। और ये जो कहानी है हमारे जो निर्माता हैं कहानी विनय जी और इस फिल्म का नाम है आंगन। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आंगन के बारे में आप ही कुछ बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक जो है हल्की सी आप अपने आंगन के बारे में कुछ बताएं, आप ही बताइए सबसे पहले आंगन का क्या है। आंगन का तात्पर्य ये है कि जो फैमिली का जो आंगन होता है, कोर्टयार्ड होता है, जहाँ पे फैमिली के सब मेंबर मिलते हैं, वो मैं सोचता हूँ सबसे मूलभूत पृष्ठभूमि है हमारे कल्चर की। वहीं से सब बातें निकलती हैं और वही जो आपसी द्वेष है, प्यार है या समीकरण है रिश्तों के, वहीं पर पनपते हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है। लेकिन बेसिक थीम जो हमने एक फोकस किया है इसमें, महिला सम्मान का हम लोगों ने इसमें जो है विषय उठाया है कि अगर महिला सम्मान अगर घर से शुरू हो तो पूरे समाज में होगा। ऐसे विषय महिला सुरक्षा हो या सम्मान हो, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये कल्चरल इशू है। अगर हम लोग इस चीज़ को कल्चर में ले आएँ तो हम लोग को सरकार को देखने की आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, उसी के ऊपर ही फिल्म बनाई जा रही है। किस तरीके से जो दिनेश सर हैं उनको लेकर कहानी का जो ताना बाना है वो किस तरीके का होने वाला है? नहीं तो ऑब्वियसली अगर आप तो मुझसे स्टोरी पूछना चाह रहे हैं, स्टोरी तो मैं आपको नहीं ओपन करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आए हैं ये, और इनके लिए गांव बिल्कुल नई चीज़ है, बिकॉज गांव में कभी रहे नहीं है। और गांव की जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, गांव का जो कल्चर है, ऊँचाई नीचाई है, उससे ये स्ट्रगल करते हुए अपने अपने जिस उद्देश्य से आए हैं उसको लेके चलते हैं और गाँव वालों को साथ लेके चलते हैं, उनको एक सही रास्ता भी दिखाते हैं और गाँव की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, वही एक फिल्म है। और उस बीच में एक लाइन जो चलती है थ्रू आउट, वो माँ को सम्मान को लेकर के है, उसी के ऊपर ये फिल्म है। मतलब आप दिनेश सर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, एक्सपीरियंस सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। जब मुझे पहले पता चला तो मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने पूछा था कि सर के साथ करना है, मेरा थोड़ा सा बोल्ड प्लस कॉमेडी प्लस इमोशनल है ना, मतलब बहुत चुलबुली सी नटखटी सी लड़की है, तो सर ने बोला ऐसे तुम्हारे बहुत सारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक कई जगहों पे तुम्हें थोड़ा ओवर रिएक्ट करना है, तो तुम कहीं थोड़ा बहुत नर्वस तो नहीं होगी सर के सामने, बिकॉज ऑलरेडी सर को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरे से। तो आई वॉज़ लाइक नहीं, अभी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में, क्योंकि ये आर्टिस्ट को बहुत कम्फर्टेबल फील कराते हैं, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं नर्वस हो रही हूँ, पर सर बहुत एक अच्छे को एक्टर हैं मैं बोल सकती हूँ, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और एट द सेम टाइम अपने प्रोड्यूसर सर, अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, स्टोरी राइटिंग से लेके सीन डिज़ाइन कैसे करना है, क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं ऐड ऑन कर सकते हैं स्टोरी के अंदर, माइंड ब्लोइंग, मैंने ऐसा प्रोड्यूसर लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। तो पहला एक्सपीरियंस जब कैमरे के सामने दिनेश जी के साथ शॉट था, धड़कने बढ़ी वो तो बड़ी रहती है हर वक्त, लेकिन उससे ज़्यादा आई थी यू नो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं ये चाहता हूँ इनकी धड़कन बढ़ी, लेकिन जो पूरी जो लोग पिक्चर देखेंगे दर्शक उनकी धड़कन बढ़नी चाहिए, वो मेरा उद्देश्य है। एग्जैक्टली हमारी धड़कनें बढ़ने से। और एक बात और भी मैं कहूँगा इसमें कि जहाँ तक डायरेक्टर की बात है, दिनेश जी के बारे में मैं बात बोलूँगा कि एक पार्ट होता है डायरेक्शन का कि आप सीन डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक पार्ट डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है कि वो एक्ट्रेस को डायरेक्ट करता है। तो दिनेश जी ने वो रोल बहुत बड़ा निभाया है, जो हमारे नए आर्टिस्ट भी थे या जो मतलब जो नर्वस हो रहे थे
उनको भी उन्होंने डाइट किया, कम्फर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो और ऐसा करो, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट. क्यों, डू यू थिंक सो? राइट, यस सर, यू आर राइट, आई एग्री विद यू. क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टार्टिंग में तो मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं नर्वस होंगी या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर कुछ सीन्स ऐसे थे जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप वो मूवी में देखिएगा. वहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत ऐसा डाउटफुल था कि क्या हो पाएगा परफेक्टली या नहीं, पर इन्होंने मुझे वहाँ कंफर्टेबल किया और बाकी सब तो अच्छे से चल रहा है, मज़े में चल रहा है. सर मैं आपसे कहूँ, गाँव में सीन में तो आप एक्सपर्ट हैं, कि गाँव का जो सीन होता है निरुपमा से बेटर कोई नहीं करता, ये आपने प्रूव किया. तो फिर से इस स्टोरी में आंगना में आपका क्या अलग अंदाज, गांव का जो खाटीपन, ऐसा क्या मिसिंग है जो कि आप इस फिल्म में डालने वाले? क्योंकि हमने निरोवा को हर कटअप में देखा है, गांव के सेटअप पे. मुझे लगता है कि जो विनय सर ने बताया कि एक ऐसा किरदार मैं इसमें निभा रहा हूँ जो गांव में रहा नहीं है, पहली बार आया है, शहर में पला बढ़ा लड़का है, पर माँ ने वो सारा कल्चर तो सिखाया है, उसको है कि मतलब जो हमारी गांव की सभ्यता होती है, जो लोगों की सोच होती है, जैसे विचार होते हैं, जैसे सम्मान एक दूसरे को देते हैं, वो सब उसके अंदर है. तो गांव में आने के बाद जब वो गांव के लोगों से मिलता है, हीरोइन से मिलता है और बाकी जो गांव वाले हैं उनसे जब मिलता है, तो यही तो ताना बाना पूरा है जो लोगों को आनंद आने वाला है कि कैसे एक आदमी आया गांव में और वो गांव वालों के भले के लिए कुछ काम करना चाहता है, और उसमें भी कोई कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अपने निजी स्वार्थ में काम भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर कैसे हीरोइन जो है हमारी मदद करती हैं और धीरे धीरे जा करके, और जब हम अपने मकसद के कामयाब होने में एकदम करीब पहुंचते हैं तो जो है पूरा खेल ही पलट जाता है, और फिर वो जब ऑडियंस देखेगी तो उसको लगेगा कि अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था. तो सिनेमा तो वही आनंद देता है कि आप देखते देखते चलते हैं और एक पॉइंट पे जा करके और आप भौचक्के हो जाते हैं. तो ऐसा होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, सभी कलाकार, स्वाति और भी जितने किरदार हैं इसमें, सब लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. और मैं एक दिन कह रहा था विनय सर, डायरेक्टर सर को कह रहा था कि आप बहुत लकी हैं कि आपने मूवी में किसी को कास्ट किया, एकदम नए बच्चों को, और उनको काम परफेक्ट आता है, ये बहुत लक की बात होती है. तो हमारी जो हीरोइन है ये भी एकदम परफेक्ट हैं, इन्होंने जितने सीन किए सब बहुत अच्छा इन्होंने किया, ताली बज जाती है सेट पे. और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो इस कहानी को खुद जब लिखे हैं तो वो उसको पूरी तरह से सजा पा रहे हैं. एक तरफ होता है कि आदमी सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ काम करता है तो उसको होता है कि भाई हमने एक डायरेक्टर रख लिया, हीरो हीरोइन को साइन कर लिया, दे दिया, चलो भाई बना दो, फिर हम जाके वहाँ बिजनेस करेंगे. पर ऐसा नहीं है, मैं इनको देखता हूँ कि ये एक एक सीन को सजाते हैं, खुद आके बताते हैं. मतलब कई सीन में तो इन्होंने ऐसा जान डाला कि फिर मैंने ये बात डायरेक्टर सर को भी कहा, पूरी यूनिट को कहा कि निश्चित रूप से इनका जो ये पैशन है मूवी बनाने का, क्योंकि मतलब उनको आवश्यकता नहीं है ये सब, अब उनका जो व्यवसाय है और जिस तरह से बाकी उनकी चीज़ें हैं उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर वो कर रहे हैं तो सिर्फ उनका पैशन है और इसलिए इतनी अच्छी मूवी बना रहे हैं और इतनी बढ़िया फिल्म बन रही है. कि जैसा हमारी फिल्म में तो इनका नाम स्वाति है, पर इनका जो रियल नेम है वो खुशी है. खुशी ने जैसा बताया, मैं भी ऐसा प्रोड्यूसर पहली बार देखा हो, मतलब हम बहुत प्रोड्यूसर लोगों के साथ काम किए, 100 से ज़्यादा फिल्में हो गई, पर उस कहानी को खुद जी रहे हैं और उसको सजा रहे हैं, ऐसा मतलब भाग्य से ऐसे निर्माता मिलते हैं, मैं बहुत
भाग्यशाली हूँ कि ऐसे निर्माता मिले हैं। सर ये कब तक रेडी हो जाएगा, कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में? मुझे लगता है कि जिस तरह से ये फिल्म बन रही है, शूटिंग के पहले भी बहुत अच्छी तैयारी हुई, पहले एक एक दिन की कैसे प्लानिंग हो, आप ये कह सकते हैं कि जैसे बॉलीवुड में फिल्मों की तैयारी होती है, नॉर्मली भोजपुरी में उतनी तैयारी नहीं करते हैं लोग, बजट के वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, और जल्दी में रहते हैं कि बस फटाक से बना दो, तो उतनी तैयारियां नहीं होती। पर इस मूवी में मैंने देखा पहले खूब अच्छे से तैयारी हुई और सबको पता है कि किसका क्या किरदार, कब किसको सेट पे रहना है, कब किसका सीन है, और तो इतनी तैयारी के साथ जब बन रही है तो आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि जब हम शूटिंग कंप्लीट करेंगे तो पोस्ट में 2-3 महीने जाएंगे और 2-3 महीने बाद जो है ये फिल्म ऑडियंस के सामने होगी और मुझे लगता है कि उनको इतना मज़ा आने वाला है कि जब कोई निर्माता ही लेखक हो तो निश्चित रूप से ऐसी फिल्म बनती है जो ये बन रही है। ऑडियंस से अपील अपील ये करना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस हमेशा अच्छी थी, आज भी अच्छी है। काफ़ी लोग फिल्म लोगों से, मैं वैसे सभी लोगों के ऐसा मुझे टिप्पणी करने में थोड़ा संकोच होता है लेकिन फिर मैं कहूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं साहब ऐसी फिल्म इसलिए बनाते हैं ऑडियंस ही पसंद करती है, ऐसा नहीं है। ऑडियंस को अगर अच्छा परोसा जाएगा तो आज भी अच्छी चीज़ का बहुत वैल्यू है। और मेरा एक दृष्टिकोण जरूर रहा, मेरी हीरोइन मेरे सामने बैठी है, वो आपको वाउच कर सकती है इस बात को, जब ये फिल्म बनी थी तो मैंने बोला था कि मेरे को ना एक पारिवारिक फिल्म बनानी है, मुझे कोई वल्गैरिटी नहीं चाहिए, कोई एक्सपोजिशन नहीं चाहिए, बिना उस करके मैं उसमें रोमांस भी दिखाऊंगा, डांस भी दिखाऊंगा और पारिवारिक वैल्यूज़ भी दिखाऊंगा और बहुत जबरदस्त इंटरटेनमेंट है। एंड जहाँ पर एक मैं एक आपने सबसे बड़ी विशेषता फिल्म की आई थिंक ये है, बड़े सीरियस सीन चल रहे होंगे लेकिन उनके बीच में भी सरकास्टिक कॉमेडी है, जैसे पहली फिल्म होगी, क्यों आप एग्री करते हैं मेरे पास से, है ना? तो ये है क्या ऑडियंस से यही कहूँ, पहले तो सर के बारे में बोलूँगी कि इनका जो एक जो आपने पूछा ना कि फिल्म कब तक तैयार हो रही है, कितनी जल्दी आ जाएगी, सर के अंदर ये है कि एक एक सीन की प्लानिंग होती है, उसमें क्या एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहला प्रोड्यूसर ऐसा देखा जिनको डेट्स की कोई परवाह नहीं है, सर ने बोला अगर मेरा शूट एक्सटेंड भी हो रहा है हो जाए, पर काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हर सीन पे काम हो रहा है, हर एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम पे, इज सो पैशनेट, फीवर है कुछ भी है पर फिर भी सेट पे आके, मतलब मुझे इनसे जलन होने लगी है कि इतनी एनर्जी कैसे है इनके अंदर। तो सवाल क्या था आपका वैसे, ऑडियंस से क्या कहना चाहूँगी? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि एक पारिवारिक फिल्म है, जैसा कि सर ने बताया कि सर ने स्टार्टिंग में ही जब हम बैठे थे कॉस्ट्यूम पे बात हो रही थी तो सर ने कहा था कि मुझे कुछ भी एक्सपोज नहीं करना, रोमांस भी करेंगे तो बिना टच किए और कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। एक पारिवारिक फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, यंगस्टर्स भी देख सकते हैं और सस्पेंस बहुत है, बहुत एक अच्छा मैसेज भी है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत मज़ा आने वाला है, फुल ऑफ इमोशंस। थैंक यू सो मच। फुल ऑफ इमोशन क्या कहेगा ऑडियंस के? मैं यही कहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ तो इस बात का ध्यान रखता हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ फिल्म देखेगी, क्योंकि जब भी कोई फिल्म मेरी रिलीज होने वाली होती है तो मुझे लोग सवाल यही भेजते हैं कि ये फिल्म कहाँ लग रही है, मेरी पूरी परिवार के लोग इसको देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आंगन भी एक पारिवारिक फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है और इसको देख के आपको बहुत आनंद आने वाला है और मुझे लगता है कि हम लोगों को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो इसलिए है कि जब भी कोई फिल्म जब बहुत मेहनत के साथ बनाई जाती है, पैशन के साथ बनाई जाती है, तो सबकी उम्मीद उससे लग जाती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, और वो सारा परिश्रम तभी सफल होता है जब हम ऑडियंस की वाहवाही सुनते हैं कि वाह मज़ा आ गया। तो हमारी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी।